नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के बार्सकी के एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम लोग कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपकी प्रमुख समितियां और आयोग जो वर्ष भर में सक्रिय रहे हैं या इस वर्ष से पहले सक्रिय रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी चर्चित स्थान, वो स्थान क्यों आपके जो है चर्चा में रहे और जिनके करंट में आने की पूरी संभावना है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख महोत्सव जो साल भर में आयोजित किए गए, वो कहाँ से संबंधित थे और कैसे थे, उन पर हम लोग बात करेंगे। और प्रधानमंत्री जी को जो वर्ष भर में आपके पुरस्कार दिए गए हैं, उन पुरस्कारों पर हम लोग बात करेंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप आज का जो एपिसोड है वो बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड होने चल रहा है। अभी जब स्लाइड्स आपने वीडियो शुरू हुआ तो आपने कुछ स्लाइड्स देखी होंगी, उस स्लाइड्स पर आपको सूचनाएं दी गई हैं आने वाले बैचेज की। आपने देखा कि उत्सव भी चल रहा है, होली उत्सव, उसकी भी सूचनाएं आप लोगों को दी गई हैं, जहां पर आप 24 से लेकर 31 तक अगर प्रवेश लेते हैं तो उसमें आपको का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें आपका सकारात्मक सहयोग होना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अभाव में, आर्थिक अभाव में या कई चीजों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों से है, जो सुदूर क्षेत्रों से है, वो समाज में शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते। हम सभी के पास ऐसे कॉल्स आते रहते हैं, ऐसे फोन आते रहते हैं। तो यह जो उत्सव इस बहाने एक दो बार ऐसा डिस्काउंट दिया जाता है कि उन सभी को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, तो इसको सहयोगात्मक दृष्टि से देखते हुए अपना नैतिक समर्थन और संबल प्रदान करिएगा, जिससे हम और आप सब मिलकर उनको समाज और शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कर सके। हमें आपसे यही उम्मीद है। दूसरा, होली आप जैसे देख रहे हैं त्योहार का समय है, तो आप सभी लोगों को पूरे संस्थान की तरफ से होली की शुभकामनाएं। मस्त रहिए, अच्छे से होली देखिए। 5-6 दिन का त्योहार है, चल ही रहा है, 3-4 दिन पहले से लेकर 3-4 दिन बाद तक चलता है। सफलता के सभी रंग आपके जीवन में सरोवर हो, आप इस बार सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से इस त्योहार को सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे। आइए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चर्चित स्थानों से। चर्चित स्थलों में सबसे पहला स्थान है आपका कुशीनगर, है ना। कुशीनगर क्यों चर्चा में आया आपके उत्तर प्रदेश में? कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, और आप जानते हैं कि कुशीनगर गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर उस संप्रदाय को मानने वाले जो पर्यटक हैं वो लगातार आते जाते रहते हैं पूरे विश्व से। तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, उन्हें सरलता होगी, पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास को भी सहायता मिलेगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का कुशीनगर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है और उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो वो स्थान कौन सा है? आपका कुशीनगर है। आइए, दूसरा जो आपका स्थान है वो है आपका खोनोम। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक गांव है जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। बहुत सुंदर और आकर्षक एक गांव है, और इसको भारत का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। इसकी सुंदरता बहुत अलग है। तो नागालैंड की राजधानी कहां पर? कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और एशिया का पहला ग्रीन विलेज हरित गांव इसको घोषित किया गया है, और ये बड़ी उपलब्धि है। खोनोम आप याद रखिएगा। तीसरा जो है आपका मांडू। मध्य प्रदेश के मांडू में फासिल्स म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है ना। फासिल्स म्यूजियम, या इसको हम लोग डायनो एडवेंचर पार्क भी कहते हैं। तो डायनो एडवेंचर पार्क या फासिल्स म्यूजियम का जो उद्घाटन वो कहां पे किया गया है? अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में किया गया है, और मध्य प्रदेश के किस स्थान में किया गया है? मांडू नामक स्थान पर किया गया है। अगला है आपका लेह। केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख के लेह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3500 मीटर की ऊंचाई पर देश के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो आपको बेटा ये याद रखना है, मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है लेह में, है ना। तो हाँ, और कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? 3500 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये सर्वोच्च ऊंचाई पर है ना मौसम विज्ञान केंद्र है जिसका उद्घाटन किया गया है आपका लेह में। ध्यान दीजिएगा, 3500 मीटर की ऊंचाई है। अगला है आपका देहरादून। देहरादून क्यों आपका चर्चा में रहा? केंद्र सरकार उत्तराखंड के बीच संपन्न समझौते के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा क्षेत्र में एक विज्ञान शहर की स्थापना की जाएगी, है ना। तो देखिए, महत्वपूर्ण है विज्ञान शहर की स्थापना,
कहां पर की जा रही है? तो सबसे पहले तो उत्तराखंड में की जा रही है, और अगर कहा जाए कि उत्तराखंड में कहां की जा रही है, तो उत्तराखंड में बताइए कहां पे की जा रही है? देहरादून में की जा रही है। तो तीन तरीके से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। छठवा, हरिपुरा। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और हर वर्ष पराक्रम दिवस किससे जुड़ा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है, और कब? प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। क्लियर है? अब इस दिन एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया हरिपुरा में, और हरिपुरा आपसे कई बार इतिहास में पूछा जाता है। हरिपुरा के अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के पद को सुशोभित किया था, संभाला था। तो आपसे पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पदभार को संभाला था? वो हरिपुरा अधिवेशन में संभाला था। तो हरिपुरा इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस भी आप याद रखिएगा, इसीलिए हरिपुरा इस बार चर्चा का विषय आपका बना हुआ है और चर्चित स्थानों की श्रेणी में शामिल हुआ है। तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर के निकट स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जा रहा है ना। पशुओं पक्षियों की सुरक्षा है ना, प्रकृति की सुरक्षा हमारा दायित्व है, और इसी प्रयास में हाथियों के लिए सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में, और तिरुवनंतपुरम में भी देखा जाए तो कोट्टूर, आप कोट्टूर याद रखिएगा। हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए, हाथी पुनर्वास केंद्र वहां पर पहले से है, और यहां पर हाथियों के लिए सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मंडी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए है ना, देश के 30 जिलों की सूची जारी की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी को सर्वोच्च जिला घोषित किया गया है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह वो पहली योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसने लोगों को कनेक्ट किया था, सुदूर लोगों को कनेक्ट किया था, ब्लॉक से जोड़ा था, तहसील से जोड़ा था, और कहां से जोड़ा था? जिले से जोड़ा था। तो 30 सर्वोच्च जिलों की जो सूची जारी की गई, उसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी को सर्वश्रेष्ठ जिला पूरे देश में घोषित किया गया। ये आपको ध्यान यहां पर देना है, देश के 30 जिलों में हिमाचल प्रदेश के जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। अगला है आपका नौगढ़ रेलवे स्टेशन। रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो लिंक के माध्यम से नौगढ़ रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के रूप में नाम परिवर्तित कर दिया। तो ये नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो आपके यूपी में है, इसको क्या कहा गया? इसका नया नाम है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। मिजोरम सरकार ने राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योगों का दर्जा दे दिया है ना। तो अब भारत में खेल को उद्योगों का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? मिजोरम है ना, बढ़ावा देने के लिए अपने यहां। तो आपसे पूछा जाता है कि खेलों को उद्योगों का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य, तो आपका उत्तर क्या होगा? मिजोरम है। आइए, ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड है ना, आप जानते हैं उत्तराखंड के मनुष्यारी क्षेत्र में ट्यूलिप गार्डन, फूलों का बगीचा विकसित किया गया, जो विश्व के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक है। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ट्यूलिप गार्डन याद रखिए कहां पे है? आपका उत्तराखंड में है, एक बार आपसे परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। लॉस एंजलिस अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय यहां पर खोला गया है, मतलब पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहां पे खोला गया है? लॉस एंजलिस में खोला गया है। योग का प्रसार आप जानते हैं कि सब जगह हो रहा है, और इसी क्रम में भारत के बाहर योग का पहला विश्वविद्यालय, देखिए जिससे फायदा होता हो, वो किसी देश की संस्कृति हो, किसी देश की विधा हो, अगर उससे स्वास्थ्य में फायदा होता है मानव सभ्यता को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारी कई संस्कृतियों को समूचा विश्व अपना रहा है, उसमें योग एक है ना। तो योग का पहला विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहां पे खोला गया है? अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला गया है, इसीलिए स्थानीय समय चर्चा में आपका रहा है। नेचिपू सुरंग, देखिए ये डी आकार की एक सुरंग है जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में।
450 मीटर लगभग, आप समझ लीजिए कि 450 मीटर की ये सुरंग है और इससे सामरिक महत्व की सुरंग है और ये डी आकार की आपकी सुरंग है। इसके दो अलग अलग शेप्स हैं, दो अलग अलग अनुभाग हैं। नेचपू सुरंग आपको याद रखना है। झांसी देखिए, आप जानते हैं कि झांसी जो है या बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है कृषि के हिसाब से बहुत पीछे है ना। वहां पर वर्षा कम होती है, बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है। जो बुंदेलखंड की ट्रेडिशनल बेल्ट है, जो आप जालौन तरफ निकल जाते हैं, उरई हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, इधर से अतर्रा हो गया, बांदा हो गया, इस ट्रेडिशनल बेल्ट में कृषि की विकास या कृषि के रिसर्च की बहुत जरूरत है ताकि यहाँ के किसानों को मजबूत किया जा सके। इसी क्रम में झांसी में कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी है प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो इस क्षेत्र को निश्चित कृषि के रूप में आगे ले जाएगी। तो ये सजग प्रयास है। तो झांसी क्यों चर्चा में रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। कम वर्षा वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। बिल्कुल जरूर बात है, क्योंकि वहां पर कृषि रिसर्च की बुंदेलखंड में बहुत जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में टेली ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण, बेली ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है। ये अपने तरह का पहला बेली ब्रिज है। बेली ब्रिज पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिस टेप एर्दोगन ने काले सागर के तट में एक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है और इन्होंने ये भी कहा है कि इसका उपयोग वो 2023 से प्रारंभ करेंगे। जब किसी देश को प्राकृतिक गैस का ऐसा भंडार मिलता है तो उसके आर्थिक जो दृष्टिकोण है, उसके आर्थिक दृष्टिकोण, उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। पहले भी ऐसे देशों को जब प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, ऐसे प्राकृतिक स्रोत मिले हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था बदल गई या उनकी अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध हो गई। तुर्की के लिए भी एक ऐसा मौका आया है। 2023 से उन्होंने घोषणा की है कि 2023 से वो इसका उपयोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्या मिला है? हाँ, काले सागर में एक बड़े गैस भंडार की खोज इन्होंने की है। माउंट सिनाबोन इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है, जो मतलब लगभग 5 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार और धुआं इसमें छा गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पुनः उद्धार हुआ है। मतलब ज्वालामुखी उद्धार आप जानते हैं, लगभग 400 वर्ष की निष्क्रियता के बाद ज्वालामुखी में 2010 के बाद उद्धार हुआ है। 2013 से लगातार पुनः सक्रिय है। तो इसीलिए माउंट जो सिनाबोन है ये इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में है और इस समय सक्रिय ज्वालामुखी की तरह है, इसीलिए इस समय चर्चा का विषय आपके लिए बना हुआ है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया। तो सबसे पहले तो यह किया कि चेनानी नासरी सुरंग है कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। और फिर यह क्यों चर्चा में? क्योंकि इसका नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नाम पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये संत थे और ये संत काफी प्रचलित है वहां पे। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आगरा, मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी जी महाराज म्यूजियम कर दिया गया। तो मुगल म्यूजियम कहां पर है? आगरा में है। और मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री छत्रपति जी शिवाजी जी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। दिल्ली, फिरोज शाह कोटला दिल्ली का प्रसिद्ध खेल मैदान है। अरुण जेटली जी डीडीसीए के अध्यक्ष भी थे। अरुण जेटली जी के नाम पर भारत के जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, बहुत अच्छे लीडर थे बीजेपी के, और उनका निधन हो गया था, आपने देखा। तो आप समझ लीजिए कि उनको उनकी स्मृति में है ना, उनके सम्मान देने के स्वरूप मरणोपरांत फिरोज शाह कोटला, जो बहुत पुराना स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम, क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है दिल्ली में, आप लोगों को याद रखना है। आइए, अंडमान निकोबार, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप का नया नाम बदलकर स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो देखिए ये सब कहां पे है? बहुत अच्छी दर्शनीय जगह है ये घूमने के लिए। कभी जो है आप जो है बड़े हो और बढ़िया जो है जब घूमने का मौका आए, शादी विवाह हो जाए, तो एक बार यहाँ पे जरूर घूमिएगा। और ऐसे भी माता पिता के साथ जाइएगा, पूरे परिवार को इस प्राकृतिक सुंदरता को दिखाइएगा
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर और इनके नाम को बदला गया है। और यहाँ पर हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप, इन तीनों का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। लखनऊ इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? लखनऊ में है। पहले केवल एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम था ग्रीन पार्क, जो कानपुर में था, और अब लखनऊ में एक विश्व सुविधाओं युक्त नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? इकाना क्रिकेट स्टेडियम, और उसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, आइए उड़ीसा क्यों चर्चा में है। झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है उड़ीसा में। ध्यान दीजिएगा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जो था उसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र सिंह हवाई अड्डा कर दिया। बाड़मेर जिला राजस्थान, मियां का बाड़ा, परीक्षा में भी दो बार आपसे पूछा जा चुका है। मियां का बाड़ा पहले कहां पर है? बाड़मेर जिला राजस्थान में, और उसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। मियां का बाड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महेश नगर कर दिया गया है। जयपुर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क कर दिया गया। तो बाला साहब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क, जब देखिए कोई नया चीज आता है तो वो आपसे पूछा जरूर जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? तो बाला साहब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क नागपुर में है, जिसका पुराना नाम था गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, और ये अब क्या हो गया? बाला साहब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क हो गया। चलिए उत्तर प्रदेश, दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम कर दिया गया है। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी कर दिया गया। कोलकाता, माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो चर्चित स्थानों में आपको पढ़ने हैं। तो जय हिंद ब्रिज कहां पर है? कोलकाता में है, जिसका पुराना नाम क्या था बताइए? माजेरहाट ब्रिज था। अब प्रमुख समितियां और आयोग की बात करते हैं। आइए प्रमुख समितियां और आयोग की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका तीन कृषि कानूनों हेतु समिति, अभी आपने पिछले दिनों में देखा यह मुद्दा बहुत गर्म रहा। तीन कृषि कानून आए और तीन कृषि कानूनों पर किसानों का जबरदस्त विरोध रहा। कोर्ट ने उसमें स्वयं हस्तक्षेप किया और उसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया, और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो तेजेंद्र सिंह थे। तो तेजेंद्र सिंह समिति भी हम इसको कह सकते हैं, या तेजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी वो किससे संबंधित थी? तीन कृषि कानूनों की समीक्षा से संबंधित समिति थी, आपको याद रखना है। दूसरा है लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु जो समिति थी, जी किशन रेड्डी जी की अध्यक्षता में बनी थी, है ना, तो इसको हम लोग जी किशन रेड्डी समिति भी कहते हैं। तो जी किशन रेड्डी समिति का जो सीधा संबंध है वो किससे है? लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु ये समिति है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति डॉक्टर अनूप सतपति की अध्यक्षता में, कई बार आपसे पूछा जा चुका है डॉक्टर अनूप सतपति समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की जो विशेषज्ञ समिति है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अनूप सतपति। टेलीविजन रेटिंग समीक्षा समिति, इसको हम शशि एस वेम्पाति समिति भी कहते हैं, शशि एस वेम्पाति इसके अध्यक्ष हैं। भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता शशि एस वेम्पाति करेंगे। अगला है आपका पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति। आपने देखा है कि प्रत्येक वर्ष जो पराली जलाने का मामला होता है हरियाणा और पंजाब में, वो तूल पकड़ता जा रहा है। कैसे हम इस पराली जलाने की जलाने संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, किसानों को भी उसका लाभ हो, किसान भी परेशान ना हो, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, इसमें बीच का रास्ता निकालने के लिए बहुत अधिक पर्यावरण संरक्षण भी हो जाए और किसानों की भी, भाई जब पराली रहेगी तो उसका कुछ ना कुछ तो निदान करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक समिति का जो है गठन किया गया पूर्व न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के मदन बी लोकुर, है ना, मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जो समिति है इसके अध्यक्ष है मदन बी लोकुर, एम बी लोकुर की अध्यक्षता में समिति है जो पराली के निदान से संबंधित है, पराली जलाने पर रोक संबंधी जो समिति है वो एम बी लोकुर, और एम बी लोकुर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पहले पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। महाजन समिति का संबंध सीधे सीधे हम लोग जानते हैं चीनी उद्योग से है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए जो चयन समिति है, उस चयन समिति की जो घोषणा की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में? न्यायाधीश मुकुंद कम शर्मा
ये जो समिति है मुकुंदकम शर्मा समिति, ये किससे संबंधित है बताइए? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित है। वांचु समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अजय भल्ला समिति आने वाले चीनी निवेशों में परीक्षण हेतु अजय भल्ला समिति को बनाया गया, तो अजय भल्ला समिति का सीधा संबंध किससे? चीनी निवेश से है। वाई एच मालेगाम समिति सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन एवं उस पर सुझावों हेतु, ये समितियां जरूर पूछी जाती हैं और मिलान करने के लिए भी आता है, छोटे छोटे फॉर्म में ही याद रख लीजिए, लेकिन याद जरूर रख लीजिए। इस पीडीएफ को 3-4 बार आपको अच्छे से पढ़ना है और उस पर लिखना ही आपको याद हो जाएगा। राजमन्नान समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित, कुछ पुरानी समितियां भी मैंने ले ली है जो लगातार पूछी जाती है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। महाल नोविस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। राज समिति कृषि ज्योत पर कर से संबंधित है। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की का अध्ययन इस समिति ने किया, इससे संबंधित है। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों के निजी क्षेत्रों में देने हेतु जो आपकी रिपोर्ट मांगी गई है उससे संबंधित है। देवेंद्र फडणवीस समिति कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु, समस्त जो मुख्यमंत्री हैं भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों को की एक समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। आइए, तो देवेंद्र फडणवीस समिति कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु है। जैस्मिन साय समिति दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु, जैस्मिन साय समिति है, ध्यान दीजिएगा। उर्जित पटेल समिति वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु समिति का गठन किया गया था, उर्जित पटेल समिति। दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमानों से संबंधित है। अमिताभ राय समिति पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस अमिताभ राय, इनकी अध्यक्षता में एक समिति जो गठित की गई है जेल सुधारों से संबंधित, तो जेल सुधारों से संबंधित जो समिति है वो उसकी अध्यक्षता अमिताभ राय जी कर रहे हैं। मीरा शेर समिति हरतकरदा उद्योग के विकास के लिए। गाड़किल व कस्तूरी रंजन समिति पश्चिमी घाटों का संरक्षण के लिए है, और कस्तूरी रंजन एक समिति है जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित थी आपकी, है ना, इससे भी संबंधित है। आइए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ निजी कंपनियों के गैस कनेक्शन पर सब्सिडी देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर क्रीट पारिक इस समिति के अध्यक्ष है। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी के आकलन और गरीबों की पहचान के लिए, पुरानी समितियां हैं जो लगातार आपसे पूछी जाती रही है। पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली के लिए डॉक्टर क्रीसर्स पारिक समिति है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की देखरेख के लिए जो समिति गठन की गई है इसकी अध्यक्षता जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय, परिवर्तन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव है, मतलब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही इसकी अध्यक्षता स्वयं कर रहा है। वीएस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार हेतु है। नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु है, नए बैंक ढांचे की सिफारिशों के लिए है। अब वर्ष 2020-21 में हुए प्रमुख महोत्सव और उत्सव को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सक्षम नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था सक्षम 2020, तो आपसे पूछा जाता है किस मंत्रालय द्वारा। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ। लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां पे आयोजित किया गया? इम्फाल मणिपुर में। नारंगी संतरा ऑरेंज महोत्सव मणिपुर से संबंधित है। ये महोत्सव आपसे निश्चित पूछे जाते हैं या तो मिलान करने के लिए आते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। हार्नबिल एक बार पूछा जा चुका है, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होता है। चापचर कुट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। बाली यात्रा उड़ीसा में। संगम उत्सव ये देखिए जम्मू कश्मीर है ना कि प्रयागराज है, संगम प्रयागराज में, तो कंफ्यूज मत हो जाइए कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हाँ, अंबुबाची मेला इस नाम से पूछा जाता है, अंबुबाची मेला ये असम में है। करावली उत्सव कंबाला उत्सव भी इसको कहते हैं, कर्नाटक में है। हाँ, थुम्मी महोत्सव केरल में। 5वां धर्म धम्म सम्मेलन राजगीर बिहार में आयोजित हुआ। बथुकम्मा भी कई बार आपसे पूछा जाता है, बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना से संबंधित है। मालाबार महोत्सव जो है वो कोझिकोड से संबंधित है, केरल से। इंडिया ड्रोन महोत्सव देहरादून में आयोजित किया गया। प्रथम आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन दंतेवाड़ा से संबंधित है। पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान का, और सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में है।
ये कलेक्शन है जो मेला आपसे पूछे जाते हैं उन इकट्ठे मेलों का। अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको अलग अलग देशों द्वारा सम्मान दिए गए हैं, सारे सम्मानों को एक साथ कर दिया गया, उनको भी एक बार देख लीजिए, यहां से भी एक प्रश्न आपका बन जाता है। आइए देखिए, फिलिस्तीन द्वारा इनको ग्रैंड कॉलर पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया, रूस द्वारा सेंट एंड्रयूज पुरस्कार दिया गया, सऊदी अरब द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सेस पुरस्कार इनको दिया गया, मालदीव द्वारा रूल ऑफ निशान इजुद्दीन इनको दिया गया, पूछा भी जा चुका है दो बार, दक्षिण कोरिया द्वारा सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड इनको दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, अफगानिस्तान द्वारा अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार प्रदान किया गया है, क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा फिलिप कोटलर पुरस्कार दिया गया है, यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद मॉडल इनको दिया गया है, वहरीन द्वारा द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, बौद्धिक पुनर्जागरण, यह अवार्ड वहरीन द्वारा दिया गया है, और यूएनओ द्वारा पीएन ऑफ द अर्थ का अब पुरस्कार इनको दिया गया है। आज की श्रृंखला में मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।